मैं हमेशा की तरह आपके साथ में सबसे पहले शेयर करती हूँ अपनी जो है ब्रेकफास्ट। सो आज से मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ ऑमलेट विद चीज़, लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके से। तो सबसे पहले मैं जो एग है वो मैं फ्राई करूँगी, देन ऑयल गर्म हो गए पहले मैं एग जो है फ्राई करके फिर आपको दिखाऊँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। सो चलिए स्टे ट्यून विद अस। तो हाँ जी, जैसे आप देख सकते हैं ये मैंने चीज़ रख दी है। अब इसके ऊपर मैंने ढक्कन लगा दी, ऐसे ढक्कन आपने चूज़ करनी है कि जो के फ्राई पैन को कवर कर ले। अब रख दी है, जब चीज़ मेल्ट होगी फिर आपको दिखाऊंगी कि लुक में कैसे दिखती है। सो टिल देन स्टे ट्यून विद अस। तो जी बस जैसे आप देख रहे हैं मैं उधर आगे है बेलकनी और वेदर इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे रखी है मेरी अपनी जो है ब्रेकफास्ट जो मैंने रेडी की थी साथ में कॉफ़ी, और जोया जो है यहाँ पे खेल रही है। और धूप बहुत प्यारी अच्छी सी धूप है आज, बहुत मतलब थोड़ी सी तेज़ है बट इट्स स्टिल फाइन और उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं। वाह इज अ लाइट बाबा, एक ख़राब थे सुबह मॉर्निंग एकदम मेखिलियार फिक्स नहीं। एक यहाँ पे जो लाइट है वाह भी ख़राब हो गई है, तो इन कल जब शॉप वाह शॉपिंग करने के लिए जाऊँगी तो एक ज़रूर लाऊँगी। और वाह एरोप्लेन, चले मैं ट्राई कर लेती हूँ कि ये कैसी बनी है। बहुत ही मज़े की बनी है ये, डिलीशियस यम्मी। यम्मी यम्मी बाबा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो हाँ जी, जैसे आप देख सकते हैं जोया रेडी, साथ में हमारे पास है बहुत से सारे सामान, और जोया ट्राई कर को अपने आप को इस मिरर में देख पाए जो कि थोड़ी सी इम्पॉसिबल है क्योंकि बिग मिरर नहीं है जो ये अपने आप को देख लें, बट शी ट्राई हर बेस्ट। सो एनी वेज, तो जी बस ये सामान जो है फिर आपको बताऊँगी ये किस लिए मैंने इतने सारे चीज़ें ली हैं, आज का क्या प्लानिंग है मेरे और जोया की। सॉरी गलत और सब बैठ गया है, तो आपको बताऊँगी। सो बहुत ही ठंड है तो मैंने ये पहनी है कि ताकि जहाँ हम दोनों जा रहे मुझे ठंड ना लगे। जोया को भी मैंने बहुत सारी जो है पहना दी है, और साथ में कैरी की है मेरी ये छोटी सी क्लच पाउच, क्लच आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं। तो वहाँ पे जाके फिर आपको बताएंगे कि आज का हमारा क्या प्लानिंग है। सो चलते हैं और आज का जो डे है एंजॉय करते हैं, और आप हमारे साथ बने रहिए। टिल द स्टे ट्यून विद अस, लेट्स गो सोया। ओह मैं शूज़ भूल ना करूँ, मैं दिखानी भूल गई कि मैंने एक और यहाँ पे जो है मनी प्लांट रखी है। ऑल डे मैं बाय कर रही हूँ मनी प्लांट, और माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी ग्रोथ भी अच्छी सी हो रही है।
तो जी वाल, जैसे मैंने बताया थी आज और जो है मेरी एक अलग सी प्लानिंग है। सो आज का वेदर बहुत ही प्यारे वेदर है, सनी डे है। तो मैंने ये डिसाइड की कि मैं जो है आज करते हैं बारबेक्यू प्लानिंग। तो आज घर की जगह हम लोग आए हैं पार्क, यहाँ पे बारबेक्यू करेंगे, साथ में लाए सारी चीज़ें यही, साथ में हमारे पास है मीट। मैंने जूस लाई हूँ अपने लिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकती, आपको सभी को पता आजकल बहुत ही तबीयत नासाज है। तो दूसरी चीज़ें भी लाई हूँ वो है बूट में, मीन्स वो अब सारी चीज़ें उतार के ले जाएंगे, सारी चीज़ें मैं पहले डेकोरेट करूँगी। तो आज मैंने बहुत ट्राई की कि मैं शॉपिंग सेंटर से जो है अपने लिए ट्राईपॉड लूँ, बट मुझे नहीं मिली। आई थिंक मुझे ऑनलाइन ही अपने लिए ऑर्डर करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्राईपॉड से बहुत ईजी होती है कि आप वीडियो बना सकते हैं। अगर आप दोनों हाथ जो है काम में बिजी हैं तो आप ट्राईपॉड यूज़ कर सकते हैं। सो बट एनी वेज आई ट्राई माई बेस्ट कि अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। इज ज़ोया इज टायर्ड नाउ, वी नीड टू गो आउटसाइड। यस ज़ोया, सो खुदा हाफिज़। तो जी बस, जैसे देख सकते हैं आप, मैं ज़ोया पार्क आ गए हैं और सेम उसी पार्क पे। तो मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे क्यों आए हूँ इस पार्क में। भाई यहाँ का माहौल बहुत ही प्यारा है, तो इसी वजह से यहाँ पे आई हूँ। तो ये रही बारबेक्यू एरिया, ये है सिटिंग एरिया। तो मैंने कभी ये यूज़ नहीं की है और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इसे कैसे यूज़ किया जाता है। सो लेट्स ट्राई। और यहाँ पे हम मैं और ज़ोया जो है इंजॉय कर पाएंगे। यस ज़ोया, चलिए आपको दिखा दूँ इसे कैसे यूज़ करते हैं। और लिखा हुआ है नो वरीज, जब लिखा होता है तो इजी होता है। ज़ोया को तानी है, मैंने वहाँ पे ज्वेलर ले रही है और मैं इसे अभी ऑन करने जा रही हूँ। सो लाइक दिस, पुश एंड होल्ड बटन एंटी इंडिकेटर्स लाइट ऑन। ओके लेट्स ट्राई, ये लाइट ऑन होनी चाहिए, पता नहीं काम करेगा कि नहीं। लेट्स ट्राई, कितना टाइम लगेगा इसे। वे लाइट इज ऑन डिटिकेस हीटेड पीरियड। ओके देखते ये होता है कि नहीं। तो ये गर्म हो गई है, हाँ। तो थोड़ा सा पानी इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा, वैसा ही हो जाए। क्लीन करने के लिए हमने गर्म पानी डाल दी है। तो ये गर्म हो गई ऑलमोस्ट। ये गर्म हो गई है, अभी जो है मैं जो करने जा रही कुकिंग, और ज़ोया जो है यहाँ गई है मेरे साथ। हाँ, तो जो चीज़ें मैं लाई हूँ, बटर, यस यस लॉक एक्स्ट्रा चीज़ें रख दी, जगह क्लीन करनी है मैंने। और साथ में मैंने पहनी है ग्लव्स, हमें हाइजीन का बहुत ख्याल रखनी पड़ेगी। में तो इस तरह से जो है सफाई से कुकिंग भी होगी। यस ज़ोया, ज़्यादा लगा दो क्योंकि हमारे पास स्टिक उतनी नहीं है और इजली से भी हम इसे मूव भी कर पाएंगे। और चाहिए बहुत बड़े बड़े पीस है ये चिकन के लिए। ज़ोया तो हमारे स्टिक जाए ना, क्वीनी स्टिक्स बहुत ही बड़े बड़े हैं। बट एनीवेज आई ट्राई माई बेस्ट कि अच्छी से कुक हो जाए। बहुत ही गर्म है ये जो बारबेक्यू स्टोव है, बाकी स्टोव कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं इसे। आई होप आई इसके में से ही से कह रही हूँ। तो यू अच्छे से लगाएंगे इसके ऊपर, देख सकते हैं।
We're going to cook today barbecue. पानी उबल रही है, पैरों को उसके ऊपर ऐसे ये रखते हैं करना अच्छा। इट्स माय सिस्टर। तो ये देख रही है मामा क्या कर रही है, फिर मामा कुकिंग कर रही है। और ये इसलिए मैंने आज यहाँ पे चूज़ की है आउटसाइड, एक तो माहौल। यस जान, यस मामा कुकिंग ना मामा। एक तो इसलिए क्योंकि कभी मैंने आउटडोर किया ही नहीं बारबेक्यू, मिस पार्क में ओपन एयर में, गर्मी में तो करती रहती हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने घर में की थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। बट दिस टाइम मैं चाह रही थी कि घर से बाहर जाके मैं कुक करूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये मैंने रख दी है और ये चिपक रही है, तो इस वजह से अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके ऊपर जल्दी से बटर लगाऊंगी ताकि ये इस तरह से चिपके ना। सो लेट्स डू इट। इसके ऊपर मैंने बटर लगा दी है, अब क्या होगी ये देख सकते हैं, अब ये नहीं चिपक रही है। दैट्स अ टिप, टिप कह सकते। वाह, अच्छा मैं ट्राई करें कि मोबाइल किसी जगह पे रख दूँ ताकि मैं इजीली से कुक भी कर पाऊँ और वीडियो भी। पक रही है आज तो चिकन अच्छे से पक रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। Oh my god, so hot. It's so hot. What happened? Yum! Does it look yummy? Yeah. What's this? We do you have a business? Now we're going to cover. Okay, here, up next. जो पानी के साथ पक जाए। गुड आइडिया नादिया, वेल डन। अब से कवर करके रखेंगे कुछ देर, पलटे कि नहीं। और ये जो है बांप में पानी में और अच्छे से पक जाएगी। मैंने इस तरह की है ना, ग्रेट आइडिया। अब क्या होगी, इसका जो पानी है खुश नहीं होगा और अपने पानी के साथ और अच्छे से पक जाएगी। और जोया जो है वहाँ पे बैठी हुई है, जोया। हाँ, और ये चीज़ें जो है अभी मैं वो करूँगी, उठाऊँगी जितने भी कचरे हैं बेकों के बीन में ताकि जल्दी से इजी हो जाए। अभी ये जो है सेफ है, बिल्कुल सेफ।
शुदा गुशला शुदा ओ बाबा टाइम इगरा ये गुल्स। तो ये लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो यहाँ पे डक्स भी था, अब पता नहीं डक्स होगा कहीं और घूम रहे होंगे और वहाँ काम चल रही है उस घर पे। स्मेल्स गुड सो या यस वेट वेट अच्छी चीज के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है मेरी बेटी। We need to wait for a good thing. Wow. Mashallah, mashallah. Mashallah, mashallah. 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 Nik achhe se ban rahi hai na. Too hot. Ab ye hil rahi hai na, pak chuki hai to ye hil rahi hai. इतना गर्म, अल्लाह माफ करे, जला दी मेरे हाथ। आ जा, यस यस जोया पीछे आ गई है। जोया वेट, ओ सिर्फ कसम से भूख लगी है आज माशाल्लाह। अभी स्किन इसे ऊपर पे रखती जा रही हूँ ताकि ये चिपके ना। हाय जो चिपक चुके हैं उसे यहाँ पे ला रहे हैं बीच में, क्योंकि बीच में ज़्यादा जो है बटर है, बटर बटर चिकन यम यम। आप लोगों ने ज़रूर ज़रूर ये ट्राई करना है, दैट्स सो कुक परफेक्ट, कसम से ये चिपकेगा नहीं और बिल्कुल हाइजीन के साथ पक रहा है। ये नहीं कि आप कहेंगे ओ देखें वाह कुक परफेक्ट, उसे बैठ के कि वो समझ में ला रहे कसम से, वो बहुत भूख लगी उसे आज। जब ये पक जाएगी आई होप इसे पसंद भी आ जाए, ये ना सिर्फ इतने इसमें अच्छा ये कुक हो गए। परफेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से बनी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। बटर जो इस पर मैंने लगाई है ना माशाल्लाह माशाल्लाह। डोगी चीशी था सोया डोगी है डोगी वो वफ ना डोगी हम गमा गुशना शुदोम गिव मी सम फूड, वो कह रहे मुझे भी कुछ दो खाने के लिए। इतनी खूबसूरत जो स्मेल जो आ रही है, खुशबू जो है खाने की, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी से बनेगी, मैंने कहा जस्ट ट्राई करते हैं। लोहे खान को बाबा दो उड़ाओ मुश्किल अच्छी देसी। यस मुझे लग रहा है कि अभी ज़्यादा ओवर कुक ना हो फिर ड्राई होगी या फिर चिपक जाएगी। अब मेरा ये मान है कि अभी इसे पूरा उठा दे वहाँ पर रख दो। तो जी बस जैसे आप देख सकते हैं हमारा बारबेक्यू बिल्कुल रेडी हो गया, बहुत अच्छी बनी है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। मैं आपको अभी दिखा दूंगी, ये जैसे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से बनी है, ये देख ले, ये देख सकते हैं इतनी अच्छी से बनी है चिकन, इतनी सॉफ्ट, ये देख लें बहुत अच्छी बनी है। यम जोया उससे वेट नहीं हो रही, जोया जा रही से जोया वेट विच आई गिव यू वन वन अब खुश नमाए पीस फॉर जोया मा टेक दिस वाओ माशाल्लाह। लाइक इट अच्छी बात यह है मसाले ज़्यादा नहीं है, अदरवाइज जोया और मुझे एक तो इस डोगी ने हमारा जीना रंग है बार बार।
माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। यम 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 water the intro hook. Water. सबसे खुशी की बात ये है ज़ोया को पसंद आई है और माशाल्लाह हम दोनों ने ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाले हैं आज का जो बारबेक्यू है। बहुत अच्छी बनी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है इसे। और बेस्ट पॉइंट ये है कि जो मैंने बटर लगाए थे इससे इतनी अच्छी मलाई वाली और क्रीमी फ्लेवर डिवेलप हो गई है कि खाने में और टेस्टी लग रही है हमें। साथ में मैंने थोड़ी सी जो है केचप भी लाई थी, चिली का केचप, चिली फ्लेवर, गार्लिक चिली फ्लेवर, अच्छी बनी है। और जो है केचप नहीं दे रही हूँ कि उसे स्पाइसी ना लगे। और वो जो है अपने नेकलेस दिखा रही जो है। और फिर ये खाना जो है फिनिश करने के बाद फिर आपसे मिलेंगे कि हाँ इसके बाद हम दोनों ने क्या करनी है। तो जी बस जैसे आप देख सकते हैं कि अब मैं जो है कावा पी रही हूँ क्योंकि बहुत ही मुझे हैवी लग रही है। अभी मुझे बहुत ऐसा हो रहा है कि डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी मुझसे, तो कावा पी रही हूँ ताकि थोड़ी सी जो है मुझे टेम्परेचर भी नॉर्मल हो, थोड़ी स्टंड हो। 3 बज रहे बट यहाँ पर धूप है नहीं, इस साइड पे है, कोई बात नहीं। और फिर जो है हमने करना है थोड़ी सी इंजॉय जो के साथ। बस खुद अल्लाह का शुक्र जो को पसंद आ गई, इसे पसंद आ गई, इसमें ये बहुत अच्छी बनी है। जोया यम यम, जोया यम यम। बस आप जैसे देख सकते हैं ना ये बटर, ये बटर का कमाल है, अदरवाइज ये चिपक जाती है फॉइल पेपर के साथ। अभी इसी वजह से ये फॉइल पेपर से नहीं चिपक रही क्योंकि बटर है। ऑयल थोड़ा सा मेसी होता है और ज़्यादा ऑयली होता है, फिर बटर से फ्लेवर भी अच्छा होती है। कितना खूबसूरत लग रहा है ये दरख्त, वाओ माशाल्लाह। चलिए मैं थोड़े से इंजॉय करती हूँ माहौल को, फिर आप सुनूंगी थोड़ी देर के बाद। सो टिल द स्टे ट्यून विद अस। हाँ जी, बस जैसे आप देख सकते हैं अब जो है मैं पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने खा ली है और इंजॉय भी कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोया ने बहुत बहुत अच्छी तरह से खा ली, जैसे मैंने कहाँ पर लगाई और दोनों ने माशाल्लाह माशाल्लाह ख़त्म कर ली। हमारे पास चिकन सिर्फ रहता है इतना, ऑलमोस्ट 2-3 पीस, और ये रख रही हूँ क्योंकि जब रात हो दोनों का अगर भूख लग गई तो उसे मैं घर जा सकूँगी। तो अब मुझे पैकअप करनी है, आपको दिखा दूँ कितना ज़्यादा सामान है। यस यस, 2 पैकअप, पैकअप टाइम। It's time to pick up.
हाँ बैठ गई है, देख रही है सारी चीज़ें, इंजॉय कर रही है। आई लाइक दैट। दोनों आराम से बैठे हुए मेरे सोया और इंजॉय कर रही है एनवायरमेंट को। क्या देख रही है पानी, पता नहीं देख रही है क्या है। चीज़ें सचान माँ, मैंने वाटर चिया गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, इसे थोड़े सड़क पे ले जाके वॉक करवाती हूँ। इसे सीढ़ियों पे चढ़ने का दिल चाह रही है कि ये सीढ़ियों पे चढ़ जाए और सड़क की तरफ निकले, तो आज इसकी ये अरमान भी पूरी करती हूँ क्योंकि फिर मुझे ये तंग करेगी। एक चीज़ नोट की है, यहाँ का पानी जो होता है काला क्यों होता है, हालांकि काला नहीं होना चाहिए। बाय। गुजारे बच्चे बाई ली।